के साथ ही सब लोगों सब लोग एक बार खड़ा होकर बड़े होटल मुख्य अतिथि भवन का अभिवादन करें। सभी साथी जो बाहर में लोग रहे सेविया फाउंडेशन के संरक्षक डॉक्टर प्रदीप कुमार शुक्ला जी से अनुरोध करता हूँ कि आप मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लाए और भैया थोड़ा सा उठाया है क्योंकि जनसंख्या अगर इस तरीके से बढ़ती रही क्या क्या दूसरे देशों का मुकाबला कर पाएंगे। आज आप देखो हॉस्पिटल देख लो एजुकेशन सेंटर देख लो कहीं भी देख लो मैं रस्ते में क्या देखता हूं फोटो नेताओं अभी किसी को कह रहे हैं यार मैं ये कारगिल का युद्ध जीत के आए हैं क्या क्या इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या इनकी उम्र 200 साल है क्या और यहां दो स्लोगन ही जनसंख्या के ऊपर लिख दो दो स्लोगन ही लिख दो वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय परखो इंसान को परखो पॉलिटिकल पार्टियों को परखो जब बड़े बड़े होर्डिंगों को देखते हैं सब पॉलिटिकल पार्टियों को तो सोचने पे मजबूर हो जाओ भी होर्डिंग का मतलब क्या है ये क्या आपको दिशा दे रहे हैं क्या नई सोच दे रहे क्या नए भारत का निर्माण कर रहे हैं लिखा क्या है उसमें कभी सोचा अभी आके यहां देखी यूनिवर्सिटी के अंदर शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की तस्वीर को देखा सवाल सबसे बड़ा यह है जिस दिन जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदलेगी जितना मर्जी संघर्ष कर लो कड़वा सच है इस देश को कोई नहीं बचा सकता याद रखना हम समाज के आदर्श हैं हमें आप मानते हैं अगर आपने हमें बुलाया है हमसे हमारे मुंह से क्या बात निकलती है वो हमने आपको बतानी है अपनी जिंदगी का सच बताना है अगर आप तो फालतू बोलेंगे तो आपको बुलाने का क्या फायदा है पता नहीं कहां से कितने काम छोड़ के आपके अंदर जज्बा देखा आपके नारे देखे आपका जोश देखा तो हम आपको गलत रास्ता नहीं दे सकते कौन रास्ता देगा नेता रास्ते देंगे अगर नेता का ही रास्ता गलत हो जाएगा तो बताओ देश को कौन बचाएगा आप करते रहिए संघर्ष नेता 2 मिनट में आएगा उसी वक्त दबा देगा लगे रहिए इसको कहते हैं राजनीतिक आतंकवाद।